डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड देखिए जो है आईयूपीएसी सिस्टम में किस प्रकार से कंपाउंड्स का नेमिंग करते हैं इसका स्टडी करेंगे। देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको एल्केन के बारे में डिटेल स्टडी कराया है। देखिए इस पार्ट में हम आपको एल्कीन के बारे में डिटेल स्टडी कराएंगे। यहां हम आपको बताना चाहते हैं कि जो एल्कीन होता है, देखिए इसका जनरल फार्मूला CnH2n है। देखिए इसके पहले मैंने एल्केन में आपको बताया था कि उसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, बट इसका जनरल फार्मूला जो है आपका CnH2n होता है। ये अच्छी तरह थ्रू ऑफ द लाइफ जो है आपको याद होनी चाहिए। इसका जो जनरल फार्मूला है ये है आपका CnH2n। देखिए तो इसका मतलब ये हुआ इसका फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा, तो यन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। तो देखिए अगर आप यन की वैल्यू 1 पुट अप कर दें तो देखिए C1H × 2:1, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा CH2, इसका मतलब ये इसका फर्स्ट जो है भाई, देखिए एल्केन का फर्स्ट जो है भाई मेंबर कौन सा होता है, फर्स्ट कंपाउंड कौन सा होता है, तो देखिए आपका जो है CH2 आया, बट ये एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताई जा रही है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये कोई कंपाउंड ही नहीं है। इसलिए इसका मतलब ये हुआ एल्कीन का जो फर्स्ट जो कंपाउंड होगा, ध्यान दीजिए इसका मतलब CN की वैल्यू 2 पुट अप करिए तो N के प्लेस पर 2 हो गया, तो H2 × 2, तो दैट इज योर C2H4। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, ये फर्स्ट कंपाउंड है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि एल्केन जो होमोलॉगस सीरीज है उसका फर्स्ट कंपाउंड क्या होगा, फर्स्ट मेंबर क्या होगा, तो उसका फर्स्ट मेंबर जो है मेथेन होता था, बट इसका जो है फर्स्ट मेंबर एल्कीन का C2H4 है। मतलब सेकंड जो कार्बन वाला कंपाउंड है वह इसका फर्स्ट मेंबर है। इसका मतलब एल्कीन का सेकंड मेंबर, तो देखिए सेकंड मेंबर इसका मतलब ये हुआ कि N के प्लेस पर 3 पुट अप कर दीजिए तो H2:3, देखिए ये कंपाउंड क्या होगा C3H6। तो ये आपका सेकंड मेंबर है, ये क्या है आपका सेकंड मेंबर, और ये क्या है, ये जो है आपका फर्स्ट मेंबर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में एल्कीन का फर्स्ट मेंबर क्या होगा। तो आप याद कर लीजिए जो 2 कार्बन वाला मेंबर है वही एल्कीन का फर्स्ट मेंबर है। अब आपसे कोई पूछ दे कि भाई फर्स्ट मेंबर तो वो होगा जिसमें कार्बन 1 हो, तो आप कहिए कि जो 1 कार्बन वाला ठीक है, जो भी मेंबर है उसका फार्मूला CH2 आता है, और ऐसा कोई कंपाउंड है ही नहीं, ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं है, CH2 एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए फर्स्ट मेंबर आपका जो है 2 कार्बन वाला कंपाउंड होगा। तो ये है आपका
जो है एल्कीन। अच्छा एक बात और बताना है, ये जो एल्कीन है ये क्या होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है। और एक बात और बता दें, इसमें जो है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब एल्कीन में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो आप क्लियर समझ गए होंगे। तो देखिए एक्चुअल में जब आप नेमिंग करेंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नेमिंग करेंगे, तो देखिए हमने बताया था कि प्रायोरिटी जो है फंक्शनल ग्रुप का पहले देते हैं, इसके बाद देखिए डबल बॉन्ड का देते हैं, फिर जो है ट्रिपल बॉन्ड का देते हैं, फिर जो है तब साइड चेन का देते हैं। इसका मतलब इसके नेमिंग में साइड चेन अगर आता है तो उसको जो है प्रायोरिटी बाद में मिलेगी, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले मिलेगी। ये मेरे कहने का मतलब है। तो देखिए इसका जो जनरल फार्मूला क्या होता है वह मैंने बता दिया, फर्स्ट कंपाउंड क्या होता है ये बता दिया, सेकंड कंपाउंड क्या होता है ये मैंने बता दिया, और इसके बाद आपको ये भी बताया गया कि ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एल्केन जो था वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, बट ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम आपको जो है इसके नेमिंग के बारे में एग्जांपल देंगे। देखिए सपोज करिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपको इसका क्या करना है, नेमिंग करना है। तो देखिए इसमें जो है कार्बन जो है, देखिए आप काउंट भाई नंबरिंग जो है चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 and 2। एक और मेरा रिक्वेस्ट है कि देखिए ये डबल बॉन्ड जो है ये ठीक है, यहां तो 2 कार्बन है, बट और भी नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ये 1 नंबर, मतलब भाई देखिए 1 नंबर कार्बन का माना जाएगा, है तो ठीक है। मेरे कहने का मतलब देखिए इसके और इस दोनों कार्बन के बीच में जो है आपका डबल 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, बट हम लोग जब इसको लोकेशन देंगे तो 1 नंबर के कार्बन को लोकेट करेंगे, ये कहने का मतलब। सपोज करिए इसके बाद यहां डबल बॉन्ड आ जाए यहां, तो इसका मतलब 2 नंबर के कार्बन को लोकेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपका ये इसका जो है IUPAC जो नेम होगा वो होगा आपका एथिलीन। अच्छा एक चीज और मुझे यहां बताना है कि जो इसका देखिए प्राइमरी सफिक्स होता है वो इन होता है, इसका जो प्राइमरी सफिक्स जो है इन होता है, इन। देखिए एल्केन का मैंने एन बताया था, एल्केन के केस में मैंने क्या बोला था, इसका जो प्राइमरी सफिक्स है वो एन होता है बट इसका इन होता है। चलिए ठीक है, तो देखिए एक्चुअल में यहां पर 2 कार्बन है तो इसका नाम जो है वो एथीन होगा। इसका नाम क्या होगा, देखिए इसका नाम होगा एथीन। आप समझिए 2 कार्बन को एथ कहते हैं भाई, देखिए काउंटिंग में 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन हो तो उसको प्रोप कहते हैं, तो देखिए इसका नाम हो गया एथीन, तो हो गया एथीन। अच्छा अब सपोज करिए आपको एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए जैसे इसका आपको क्या करना है, नेमिंग करना है। तो सबसे पहले आप देखिए जो
चेन है उसका नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग देखिए, डबल बॉन्ड यहां पर है तो नंबरिंग इधर से होगी। क्लियर समझ लीजिए, अगर आपने नंबरिंग इधर से कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये जो डबल बॉन्ड है उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो नंबरिंग इधर से होगी। क्लियर समझ गए होंगे। तो इसका मतलब देखिए, एक्चुअल में ये भी मैंने बताया कि ये डबल बॉन्ड जो है किसके लिए कंसीडर किया जाएगा, ये वन नंबर के कार्बन के लिए। तो इसका जो है देखिए, वन टू थ्री, इसका मतलब इसका नेमिंग जब आप करेंगे तो क्या होगा इसका नेम भाई? देखिए ये प्रोप है, ये क्या है? प्रोप। अच्छा, वन नंबर के कार्बन के पास जो है डबल बॉन्ड है, देखिए इसके बगल में है, तो इसका मतलब ये वन प्रोपीन। देखिए एक बात और बता दे, ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं प्रोपीन, प्रोपीन। देखिए ठीक है, तो चूंकि ये वन नंबर पर, देखिए डबल बॉन्ड जिसके बगल में है वन नंबर है, तो वन लिखने की जरूरत नहीं होती, बट अगर आपको लिखना भी है तो इसको लिख सकते हैं वन प्रोपीन, वन प्रोपीन। और एक और मेरा रिक्वेस्ट है, आप ये वन प्रोपीन का चक्कर छोड़ दें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आगे चल करके जो अब बताने जा रहा हूं उसी को आपको एडॉप्ट करना है। तो देखिए एक्चुअल में इसका नेम होगा, देखिए आप कहेंगे क्या प्रोपीन गलत है? नहीं भाई, प्रोपीन गलत नहीं है। अगर इसको वन प्रोपीन लिख दे तब भी गलत नहीं है, बट हम ये कह, वन के केस में कोई जरूरी नहीं है कि वन को आप लोकेट करें, बट देखिए एक्चुअल में मेथीन एथीन सपोज करिए, एक्चुअल देखिए मेथीन तो बनता नहीं है, इस केस में मेथीन नहीं बनता, मेथीन, क्योंकि मेथीन जो है सी एस टू होगा वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो एथीन, मैंने अभी अभी इसका नाम जो है एथीन बताया था आपको, और इसका जो है देखिए एक्चुअल में ये डबल बॉन्ड वन नंबर पर था, तो यहां पर वन को लोकेट मैंने नहीं किया, तभी सही है, कर देंगे तभी सही है। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, प्रोपीन। बट मेरा एक रिक्वेस्ट है, इसको आप लोग प्रोप, देखिए प्रोप डैश वन इन, प्रोप डैश वन इन। देखिए अगर इस तरह से आप अपना प्रैक्टिस, भाई देखिए अपने प्रैक्टिस को इस तरह करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। प्रोप डैश वन इन, इसका मतलब ये बॉन्ड अगर टू नंबर पर हो सपोज करिए, तो प्रोप डैश टू इन, भाई बात समझिए, मतलब ये जो प्रोपीन है इसको क्या करिए आप, ये देखिए प्रोप को अलग लिख दीजिए, इन को अलग लिख दीजिए, और जहां डबल बॉन्ड जो भी है आपका जिस नंबर पर है उसको यहां बीच में जो है क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ये इस सिस्टम से ही आप लिखना सीखें प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आइटम हम आपको बता रहे हैं, सपोज करिए देखिए ये सी एच थ्री, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी एच थ्री, चलिए ठीक है, इसका हमको क्या करना है, नेमिंग करना है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है कार्बन की नंबरिंग करेंगे। तो देखिए वन टू थ्री फोर, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड किस नंबर पर आया, टू नंबर पर, मैंने बताया था ना कि ये थ्री नंबर पर नहीं माना जाएगा, टू नंबर पर माना जाएगा। तो अच्छा इधर से अगर आप मान लीजिए, सपोज करिए इधर से नंबरिंग करते हैं,
1, 2, 3, 4. तो देखिए तभी भी टू नंबर पर ही ये आ रहा है। इसका मतलब चाहे आप इधर से नंबरिंग करें या इधर से नंबरिंग करें, बोथ जो है बोथ सिस्टम विल बी करेक्ट। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो भी नंबरिंग को रब करने की जरूरत नहीं है, बात एक ही है। तो देखिए एक्चुअल में ये क्या है, 4 कार्बन है। तो आप अच्छा ये बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है वो किस नंबर पर है, 2 नंबर पर। किस नंबर पर, कंफ्यूज मत होइएगा, 2 नंबर पर। तो इसका मतलब इसको लिखेंगे 2-ब्यूटीन। अरे भाई यहां पर अभी तो मैंने बताया था 1, तो इसको लिखेंगे 2-ब्यूटीन। बट एक रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग इस तरह न लिख करके, देखिए ब्यूट डैश टू इन। उसमें भी मैंने रिक्वेस्ट किया था आपसे Prop-1-in, तो यहां भी देखिए Butte-2-in। तो इस तरह से आपको देखिए कोई भी आदमी कहेगा, कोई स्टूडेंट, कि क्या ये गलत है। तो हमने कहा गलत है, हमने तो ये बात नहीं बोला कि ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग नहीं है और ना ये रॉन्ग है। बट इस सिस्टम से अगर आप लिखते हैं भाई ब्यूट और इनको क्या कर दीजिए भाई, उसके बीच में ये जो लोकेंट है, लोकेशन है, उसको डाल दीजिए बस। तो अगर इस तरह से आप लर्न करते हैं तो आगे चल के आपको आसानी होगी, बस इतना मेरा कहना है। आप इसको 2-ब्यूटीन लिखिए तभी सही है, Butte-2-in लिखिए तभी सही है। बट ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह से लिखें बस। चलिए अब जो है अगला एग्जाम्पल देखिए, ध्यान दीजिए। सपोज करिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, CH3 CH double bond CH CH2 CH3। चलिए देखिए इसका हमको नेमिंग करना है। तो देखिए सबसे पहले नंबरिंग करना पड़ेगा, तो नंबरिंग जो है डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5। देखिए यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर 2 नंबर, तो ठीक है। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो देख लीजिए 1, 2, 3 नंबर पर ये हो जाएगा। तो इसलिए नंबरिंग जो है इधर से ही होगी। अब इसका नेमिंग करिए, तो देखिए इसको आप 2-pentene भी कह सकते हैं, 2-pentene। या देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट किया था कि जो है आप इसको Pt-21 लिखिए बस, या तो 2-pentene लिखिए, 2-pentene। देखिए तो इसका मतलब दोनों सही है, ऐसा मत सोचिएगा कि ये गलत है और यही सही है। बट ये Pt-2-in। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखिए, देखिए मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट किया था कि जो एल्कीन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखिए अब अगला एग्जाम्पल क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। एक्चुअल में सपोज करिए CH3 CH double bond CH CH and CH3। और देखिए ध्यान दीजिए यहां पर साइड चेन के रूप में CH3 है। अब देखिए इसका हमें क्या करना है, नेमिंग करना है, समझिए जरा ध्यान से इसका हमें नेमिंग। तो सबसे पहले जो है मैंने बताया था कि इसका क्या करेंगे आप भाई, कार्बन चेन जो है लॉन्ग कार्बन चेन डिसाइड करेंगे। तो देखिए एक्चुअल में ये 1
2, 3, 4, 5. देखिए आप इधर से नंबरिंग अगर देखिए सपोज कर इधर से नंबरिंग करते हैं तो क्या होगा और इधर से नंबरिंग किए हैं तो क्या हुआ। देखिए ये जो डबल बॉन्ड है ये मैंने बताया था ना कि ये टू नंबर बना रहा है और इधर से जब करेंगे तो 1, 2, 3 नंबर पर होगा, इसलिए इधर से जो नंबरिंग है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो नंबरिंग करेक्ट हो गया, नंबरिंग करेक्ट हो गया। तो देखिए अब इसका नेमिंग करेंगे। तो देखिए नेमिंग के लिए सबसे पहले आपको साइड चेन जो है, अगर साइड चेन है, इसके पहले देखिए साइड चेन नहीं रहता था, सपोज करिए साइड चेन नहीं है, तब आपका जो 2 pentene इसका आंसर हो जाता, 2 pentene या पेंट 2-ene। बट देखिए यहां साइड चेन है तो सबसे पहले साइड चेन को आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए 4-methyl, जरा ध्यान दीजिएगा, 4-methyl, अच्छा ये 5 carbon का है तो 4-methyl पेंट 2-ene। देखिए इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप देखिए जब साइड चेन आ जाएगा तो आप 2 कहां लिखेंगे, तो इसलिए जो है पेंट 2-ene का आदत डालिए, 2-pentene का आदत मत डालिए। क्लियर हो गया आपको, पेंट 2-ene, 2-methyl पेंट 2-ene। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि एडवांटेज क्या है। टू पेंटीन भाई ठीक है, पेंट को अलग लिखिए, फिर लोकेशन लिख दीजिए भाई, डबल बॉन्ड का लोकेशन लिख दीजिए और फिर बाद में इन लिख दीजिए बस। तो ये जो है इससे आपका क्या होगा, मतलब इजी तरीका है, ये क्या है, इजी तरीका है। अब हम आपको देखिए इसके बाद जो है एग्जाम्पल दे रहे हैं, सपोज करिए ये CH3, इसके बाद जो है एग्जाम्पल दे रहे हैं, सपोज करिए CH2 डबल बॉन्ड C एंड CH3 और यहां पर क्या है आपका CH3। देखिए इसका मतलब नंबरिंग करना है पहले, तो देखिए क्लियर सी बात है नंबरिंग इधर से नहीं होगी, तो 1, 2, 3। अब देखिए यहां पर 2 नंबर पर क्या है, मेथिल ग्रुप है, तो इसका मतलब इसका नेम क्या होगा, 2-methyl, देखिए 2-methyl, इसके बाद ये क्या है देखिए 3 carbon, तो प्रोप देखिए डैश 1-ene। देखिए भाई देखिए ये डबल बॉन्ड किस नंबर पर है, 1 नंबर पर, तो इसका मतलब प्रोप डैश 1-ene। तो इसका ये जो है आप क्या कर लिए, नेम रख लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया प्रोप 1-ene बस। तो ये आपका जो है इसका नेमिंग हो गया। अब हम आपको इसके बाद फिर एक एग्जाम्पल देते हैं, देखिए ध्यान दीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH, देखिए CH2 एंड CH3, इसका जो है नेमिंग, देखिए ये इसमें कोई साइड चेन नहीं है और देखिए 1 नंबर पर क्या है, 1 नंबर पर आपका क्या है, डबल बॉन्ड है। अच्छा तो नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका मतलब इसका नेम क्या होगा, 1-pentene या पेंट 1-ene, इसका नेम क्या होगा, पेंट 1-ene। और एक बात और बता दें, आप
ओनली पेंटीन लिख देंगे, ओनली पेंटीन, जरा ध्यान दीजिएगा, ओनली पेंटीन लिख देंगे तभी सही है। इसका इसका मतलब यह हुआ वन नंबर पर डबल बॉन्ड है तो उसको नहीं भी लोकेट करेंगे तब भी चलेगा, बट अगर इस रूप में लिखेंगे आप तो भाई आप देखिए यहां डैश देकर कोई ना कोई नंबर तो लिखना है, तो पेंट वन इन वन पेंटीन, इसको वन पेंटीन भी लिख सकते हैं वन पेंटीन, या देखिए ओनली पेंटीन भी लिख सकते हैं। तो ये है आपका जो है देखिए एल्कीन। कुछ और एग्जांपल देखिए, देखिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना ज्यादा एग्जांपल देखेंगे उतना ही आपका माइंड जो है क्या होगा, स्ट्रांग होगा। चलिए देखिए CH3-C डबल बॉन्ड CH एंड CH3, और देखिए यहां पर आपका एक मेथिल ग्रुप है, इसका नेमिंग करना है। सबसे पहले तो देखिए अगर इधर से हम लोग नंबरिंग करें तो ये डबल बॉन्ड है तो टू नंबर, और इधर से नंबरिंग करें तभी भी टू नंबर, तो आप किसी भी तरफ से नंबरिंग करेंगे, बट देखिए अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं डबल बॉन्ड, मैं डबल बॉन्ड के भाई देखिए डबल बॉन्ड को कंसीडर करते हुए बोला कि आप किसी भी तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं, बट यहां पर साइड चेन भी है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपने सपोज करिए इधर से नंबरिंग कर दिया तो साइड चेन को कौन सा नंबर मिलेगा, थ्री नंबर, जो कि रॉन्ग है। तो आपको साइड चेन का भी देखिए डबल बॉन्ड के कंसीडरेशन से यहां पर देखिए डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है, चाहे इधर से करिए या इधर से सेकंड नंबर, बट आपको इसका भी कंसीडरेशन देखना है, ये इसको भी मिनिमम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्लियर हो गया 1, 2, 3, 4 आप इधर से नहीं कर सकते, इसका नंबरिंग जो है इस साइड से नहीं कर सकते, क्योंकि इस साइड से सब करेंगे तो देखिए साइड चेन को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो वो जो है इधर से करेंगे तो थ्री नंबर मिल जाएगा, और आपका जो भाई देखिए आंसर होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। इसका नेम है देखिए टू मेथिल, देखिए अब ये क्या है, ब्यूटीन है, ये ब्यूटीन, तो टू मेथिल ब्यूट टू इन, बस टू मेथिल ब्यूट टू इन। भाई देखिए डबल बॉन्ड किस नंबर पर है ये तो देना ही पड़ेगा आपको, तो टू मेथिल ब्यूट टू इन, बट अगर आप नंबरिंग ये करेक्ट है, लेकिन अगर आप नंबरिंग इधर से सपोज करिए बाय मिस्टेक कर दिए तब इसका नेमिंग आप जब करेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, थ्री मेथिल, और ये तो ठीक है ये तो ब्यूट टू लिखेंगे ही आप, क्योंकि टू नंबर पर ये जो है आपका क्या है देखिए, अरे डबल बॉन्ड, तो ये ब्यूट टू इन तो सही है, बट ये देखिए इसका लोकेशन गलत हो गया, ये रॉन्ग है, ये क्या है, रॉन्ग है। तो ये भी ध्यान रखिए कि जो है नंबरिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लॉन्ग चेन का जो देखिए डिसीजन लेना यही सबसे बड़ी बात होती है।